गिरीशं गणेशं गणेनीरवर्णं गवेन्द्रादुरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितं भवं। जापान में मुझे 26 साल हो गया, लेकिन पहली बार हम सारे हिंदू भाई इकट्ठे हुए हैं और मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि हम सब लोग मिलके इससे बढ़िया से बढ़िया बड़ा प्रोग्राम करें जापान में और सबको जोड़े एक दूसरे को धर्म से। और आगे सेन हमारे सेन भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, इनसे पूछिए। हमें गर्व है कि हम हिंदू में पैदा हुआ, जब दुनिया चालू होता है इसी से। फिर और ज्यादा गर्व की बात मोदी और योगी आया हुआ कि हिंदू धर्म हर देश में और विदेश में फैला रहा है। हम उन लोग से कुछ सीखा है कि हिंदू क्या चीज होता है, बड़ा ठंडा दिमाग की बड़ी इच्छा होता है, हर चीज में जो क्या बोलता है माइनस प्लस होता है। हिंदू कुछ बुराई भी है, कुछ अच्छे भी है, जहां तक मुझे ताल्लुक पड़ा है बहुत अच्छा याद होता है। तो आज हमें किसी ने कुछ चल तो रुका दिया, बोलते हैं ना भगवान जो भी करता अच्छे के लिए करता है। आज जो हम लोग एक प्रोग्राम बनाया सब भगवान की देन है, तो हो सकता है हम इसमें कामयाब हो जाए। हम लोग यहाँ मंदिर बनाना चाहता है सब भाई मिलके, किसकी जमीन, किसकी पैसा, किसकी मेहनत, कोई यहाँ छोटा बड़ा नहीं है, सबके लिए है। इंडिया से एक कोना से लेकर दूसरे कोना में जितनी भगवान है चाहता है कि उस जगह पे रख दे, ये हमारी सबसे बड़ा। जो जापान में कोने कोने में जो इंडियन है में सब आदमी यहाँ पूजा करने आए, बात देखने को आए, अनुष्ठान बनाने पर, यही हम चाहते हैं। किसी के शादी हो, किसी के जन्म, तो वो अगर मंदिर में फ्री में लेना चाहता है, मतलब एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, वो बना सकता है। अगर इस वीडियो के जरिए से कोई इंडियन भाई यहाँ आके फंस गया, वो जब चालू हो जाएगा वहाँ एक दिन से लेकर 10 दिन रह भी सकता है, खाना पीना उसके लिए किया है। हम सब हिंदू लोग को विनती करते हैं लंगर रखे 3 महीने एक बार, सब जो जिसको बनता, कोई मेहनत रहे, कोई पैसे ना दे, कोई पैसा दे, कोई फल फ्रूट दे, जो मर्जी दे सकता है, बस हमें जागाना है और हमारे देश की, हमारे ये हिंदू लोगों का और जागाना है कि हम लोग भी कुछ है, यही हम सबसे विनती है। अज दे इस महाशिवरात्रि पर्व ते पहला सब नूं लख लख मुबारकबाद। अज जापान दे विच पहली बार महाशिवरात्रि दा जिहड़ा पर्व मनाया गया, इस दे लई मैं सारे देशवासियां नूं और इत्थे दे जिहड़े हिंदू दे पुराने जिन्हां ने इत्थे जापान दे विच अपना नाम रोशन कीता है, मैं इन्हां नूं बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हर 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 महादेव। अपने साडे हिंदू भरा साडे इकट्ठे होए ने ना, मेरे ख्याल मैनु 30 साल जापान च पहली बार हिंदू जागरूक होया, मैनु इन्नी उम्मीद है कि आज छोटा प्रोग्राम रहा पर वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, ते नेक्स्ट टाइम असी इस तो वधिया प्रोग्राम करांगे। ते हिंदू ते देश दे नाते मेरी एक एक खून दी बूंद भी लोड़ पई ते मैं उन्हूं बहा दिया, ये मेरी दिलों इच्छा है। पुंडरीक आक्ष भगवान विष्णु जी का एक ऐसा नाम है, जिस तरह गंगा जी दे विच स्नान करन दे नाल साडे पाप शरीर शुद्ध हो जाता है ना, इसे तरह पुंडरीक आक्ष बोलन दे नाल भगवान विष्णु जी का यह नाम स्मरण करन दे नाल साडे आत्मा शुद्ध होंदी है। तुसी कीती भी है किसी भी तरह का मूह तुहाडा नहाते या धोते नहीं, यह एक शब्द पुंडरीक आक्ष भगवान विष्णु जी का नाम जपन दे नाल तुसी उस तो बाद अपने गुरु जी का मंत्र भी जप कर सकते, क्योंकि 1.25 लाख तो उपर नाम भगवान विष्णु जी का इस संसार दे विच ने। ओम गिरीशं गणेशं गणेनीरवर्णं गवेन्द्रादुरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितं भवं। बाबा आलम शाह बंगाली तो करवाओ हर समस्या का समाधान, वशीकरण जादू टोना किता कराया, पति पत्नी विच अनबन, व्याह शादी च परेशानी, लव मैरिज लई माता पिता नु मनाउणा, नौकरी कारोबारी च परेशानी, सौंकण दुश्मन तो छुटकारा, मुठ करनी दे उस्ताद, कोर्ट कचहरी दे चक्कर, विदेश यात्रा विच रुकावट अते प्यार विच धोखा खान वाले प्रेमी प्रेमिका, जरूर संपर्क करो बाबा आलम शाह बंगाली लुधियाना। जटिल तो जटिल समस्यावां दा समाधान गारंटी नाल। मोबाइल नंबर 9815818800।